कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने हड़प रखा है उसे तो पाकिस्तान की सेना और सिस्टम की क्रूर चालों ने तबाह कर दिया है। इधर हमारे कश्मीर को पाकिस्तान के एजेंट तबाह करने में जुटे हैं। ये वो लोग हैं जो आजादी और अलगाववाद के नाम पर वर्षों से कश्मीर में हिंसा और आतंकवाद के कॉन्ट्रैक्टर बनकर बैठे हैं। अब जब इन पर एक्शन शुरू हुआ है तो आतंक के इन एजेंटों के सीने में दर्द शुरू हो गया है। ये जांच एजेंसियों से बचने की पुरानी बीमारी है जो एक्शन के डर से तुरंत अस्पताल पहुंचा देती है। गिलानी गैंग ने भी इसी का सहारा लिया है। सैयद अली शाह गिलानी के बेटे नईम गिलानी को टेरर फंडिंग के केस में एनआईए ने दिल्ली में पेश होने के लिए शनिवार को नोटिस दिया था। नईम गिलानी तुरंत बीमार पड़ गए और सीने में दर्द की वजह बताते हुए श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गए। नईम गिलानी को कल शाम दिल्ली के लिए श्रीनगर से फ्लाइट पकड़नी है और आज उसको एनआईए के सामने पेश होना था, लेकिन उसने एक तरह से बीमारी का बहाना बना लिया। टेरर फंडिंग के केस में गिलानी का छोटा बेटा नसीम गिलानी भी फंसा है, उसे बुधवार को एनआईए के सामने पेश होना है। पहले ही एनआईए गिलानी गैंग के 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर चुका है। कल गिलानी गैंग के एक करीबी वकील को एनआईए ने पकड़ा। आने वाले दिनों में गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक, यासिन मलिक जैसे लोगों का भी नंबर आना तय दिख रहा है। कश्मीर में पहली बार बड़े पैमाने पर टेरर फंडिंग के कनेक्शन की जांच हो रही है। पहली बार बड़े पैमाने पर अलगाववादी नेताओं और आतंकवादियों के कनेक्शन की पड़ताल हो रही है। इसमें सैयद अली शाह गिलानी के 2 बेटे, उसका दामाद शिकंजे में आए। सैयद अली शाह गिलानी का बेटा नईम गिलानी सर्जन है। वो 11 साल पाकिस्तान में रहने के बाद 2010 में लौटा था। नईम से हाफिज सईद से फंडिंग के मामले में पूछताछ होनी है। गिलानी के छोटा बेटा नसीम गिलानी को बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। गिलानी के दामाद अल्ताफ अहमद शाह उर्फ अल्ताफ फंटूश को पहले ही एनआईए पकड़ चुकी है। गिलानी का करीबी अयाज अकबर और पीर सैफुल्ला भी एनआईए की रिमांड में है। टेरर फंडिंग पर गिलानी गैंग के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। एनआईए ने जम्मू से एक वकील को भी पकड़ा था जो सैयद अली शाह गिलानी का बेहद करीबी है। देवेंद्र सिंह बहल नाम के इस वकील के दफ्तर और घर में एनआईए ने छापा मारा था। इससे लगातार दूसरे दिन पूछताछ हुई है। देवेंद्र सिंह बहल जम्मू कश्मीर सोशल पीस फोरम का चेयरमैन है, जो सैयद अली शाह गिलानी के तहरीक हुर्रियत का ही एक संगठन है। देवेंद्र सिंह बहल गिलानी गैंग की लीगल सेल में काम करता है और गिलानी का करीबी बताया जाता है। एनआईए को संदेह है कि देवेंद्र सिंह बहल टेरर फंडिंग के लिए अलगाववादियों के कुरियर के तौर पर काम करता था, जिसने पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के जरिए आतंकवादी गतिविधियों के लिए कश्मीर में बड़ी रकम लाने में अहम रोल निभाया। बताया यह भी जा रहा है कि कश्मीर में टेरर फंडिंग के लिए हवाला ऑपरेटर्स के जरिए गोल्ड का भी इस्तेमाल हुआ है। एनआईए टेरर फंडिंग पर दिल्ली से लेकर कश्मीर, जम्मू से लेकर दुबई तक के लिंक की जांच कर रही है। एनआईए सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार देवेंद्र सिंह बहल कई बार पाकिस्तान जा चुका है। वो पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों और हुर्रियत के नेताओं के बीच पैसा पहुंचाने की अहम कड़ी माना जा रहा है। हमारे पास देवेंद्र सिंह बहल का एक वीडियो भी आया है, जिसमें उसका कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंट बने गिलानी गैंग से सीधा और साफ कनेक्शन दिख रहा है। खबरदार में अब हम चीनी सेना की परेड का विश्लेषण करेंगे, जिसके जरिए चीन ने अपने हथियारों का शो ऑफ किया है। 1 अगस्त को चीन की सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 90वीं सालगिरह है। इससे 2 दिन पहले रविवार को चीन की सेना ने अपने हथियारों की परेड निकाली। आपको हम उसी वक्त की तस्वीरें दिखाते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना की वर्दी पहनकर खुली जीप में परेड का मुआयना किया और कहा कि उनकी सेना किसी भी बाहरी दुश्मन के आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। शी जिनपिंग के इस बयान को जानकार डोकलाम विवाद से जोड़कर देख रहे हैं।
भारत से युद्ध करने के इच्छुक चीन की सेना ने अपनी 90वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में अपने जंगी इरादों की परेड निकाली। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए की स्थापना 1 अगस्त 1927 को हुई थी। 2015 के बाद ये पहली बार है जब पीएलए ने इतने बड़े स्तर पर परेड निकाली है। इस परेड में करीब 12,000 चीनी सैनिकों ने कदम ताल किया। 1,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा जमीन पर फैला झुरियई एशिया का सबसे बड़ा सैन्य ट्रेनिंग बेस है। जहां परेड में सेना की वर्दी पहने शी जिनपिंग एक खुली जीप पर पहुंचे, सेना ने उन्हें सलामी दी। शी जिनपिंग ने परेड में अपने सैनिकों की हौसला अफजाई के बहाने बिना नाम लिए डोकलाम पर भारत को युद्ध की धमकी देने का मौका नहीं छोड़ा। 为拥有这样的英雄军队感到骄傲。 अपनी 90वीं सालगिरह पर चीन के पास दुनिया को यह जताने का मौका है कि उसके पास कौन कौन से अत्याधुनिक हथियार हैं। परेड में चीन की थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। मिसाइलों का खास तौर पर प्रदर्शन किया गया, जिनमें परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइलें हैं, मोबाइल मिसाइलें हैं जिन्हें आप ट्रक में ले जाकर दूसरी जगह से फायर कर सकते हैं। परेड के दौरान 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट आसमान में घूम रहे थे। 6,000 से ज्यादा टैंक, तोपें और दूसरे हथियार परेड में पेश किए गए। चीन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक करीब आधे हथियार ऐसे थे जिन्हें पहले दुनिया ने कभी नहीं देखा था। शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज तक टारगेट करने वाली डोंगफेंग, कई रॉकेट्स, टैंक्स और ड्रोन्स के अलावा न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल भी परेड में नजर आई। चीनी सेना ने यह परेड ऐसे वक्त में निकाली है जब डोकलाम में भारत और चीन के बीच विवाद है और चीन लगातार जंग की बोली बोल रहा है। इस स्टेटमेंट के 4 महीने वो इस स्टेटमेंट के माध्यम से इंटरनेशनल ऑडियंस को एड्रेस कर रहे थे। इंटरनेशनल ऑडियंस में अमेरिका भी आ जाता है जो साउथ चाइना सी में बहुत बड़े तरीके से चाइना को रोक रहा है। दूसरा मैसेज था वियतनाम, जापान, हिंदुस्तान के लिए भी कड़ा मैसेज था, जबकि चाइना जानता है कि हिंदुस्तान ने किसी प्रकार का कोई इन्वेजन चीन की टेरिटरी में नहीं किया। डोकलाम का नाम नहीं लिया क्योंकि वो भी जानते हैं कि डोकलाम जो है वो चाइनीज टेरिटरी नहीं है। वो 1636 की ट्रीटी का क्लेम करके करें, वो भूटान की टेरिटरी है और हिंदुस्तान वहाँ भूटान की रिक्वेस्ट पर गया है। चीन की सेना में 23 लाख सैनिक हैं और चीन की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। हालांकि दुनिया की सबसे बेहतरीन 10 सेनाओं में चीनी सेना का नाम नहीं। इसके बावजूद कि चीनी सेना का रक्षा बजट 152 अरब अमेरिकी डॉलर है और अमेरिकी सेना के बाद दूसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट चीनी सेना का है। हालांकि भारतीय नजरिए से कहें तो जैसी परेड चीन ने की है वैसी परेड भारतीय सेना हर साल 26 जनवरी पर करती है। आज तक ब्यूरो। कहा जा रहा है कि चीन की सेना ने अपनी 90वीं सालगिरह पर इतनी बड़ी परेड का आयोजन सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो भारत समेत अपने पड़ोसी देशों पर अपनी धौंस जमाना चाहते हैं। जानकारी के अनुसार चीन की सेना ने अपनी किसी सालगिरह पर हथियारों की इतनी बड़ी परेड नहीं निकाली है। जाहिर है मौजूदा हालात में चीन की सेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करके भारत को डोकलाम से पीछे हटने की एक और धमकी देने का प्रयास किया है। लेकिन बड़े दुख के साथ हम चीन को ये बताना चाहते हैं कि भारत चीन की किसी धमकी से नहीं डरता और डोकलाम में भारतीय सैनिकों के पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।